आप थोड़ा दूर से हमको नहीं तार सकते हैं? किसी दिन भाईजान ने देख लिया ना तो सारी रोमियो गिरी भूल जाएंगे। अरे हम क्या डरते हैं तुम्हारे भाईजान से? एक आवाज देंगे तो मोहल्ला का सारा लौंडा आके तांडव कर देगा भाईजान के सामने। प्यार अपने दम पे किए थे या मोहल्ला के लौंडा लोगों के? चैन को भी अभी तो दो मिनट रुका नहीं जाता है तुमसे। एक तो साला इस दोपहरी में कोचिंग के बाहर खड़ा रहा हूँ कि मैडम अब निकले कि कब निकले, और मैडम है कि दो सेकंड ताकने तक का फुर्सत नहीं है। लगी अपना कपी आने में। आप ना एकदम गरम गुलाब जामुन की तरह बेहद मीठा और बेहद गरम, और आप उसके साथ वाला वेनिला आइसक्रीम आराम से मारिए। तुम्हारी मर्जी, हम जैसे मारे। अच्छा चिलगम खाओगी? नहीं हमें इसको च्युइंगम कहते हैं। अरे लड़का लोग ऐसे ही बोलता है। अच्छा और लड़का लोग हमारा नाम कैसे बोलते हैं? हाँ उजमा। अच्छा वो राजमा नहीं बोला। अरे उजमा सॉरी उजमा उजमा उजमा। अरे नाराज काहे हो रही हो, नाम है तो है। आपकी जबान साफ नहीं है। उजमा चिलगम। दिल तो साफ है ना? वहाँ मस्त झाड़ू पोछा मार के नया चद्दर पे तुम कर बैठाएंगे। चलिए छोड़िए अब हमें जाना है, देर हो रही है, आगे से हम रिक्शा ले लेंगे। कहिए तो करियर में बिठा के घर छोड़ाए। भाईजान पंचर कर देंगे आपको और आपकी साइकिल दोनों को। आओ बेटा दीपक, आज दुकान पर कैसे इस वक्त? अरे बाबूजी माँ को ले गए हैं कुछ सामान दिलाने। हमको बोले हैं दुकान पर रहो तब तक। अच्छा हमको तो लगा साला कल का घटना सुन के आधस गए तुम। कौन घटना बे? अरे कल रात में साला दो तीन लोग एक लड़का ले को पकड़ के धुन दिया। एक लड़का लड़की को लेके टहला रहा था तो साला ये नूर मोहल्ले का लड़का लो उसको पकड़ के धुन दिया। ये तो होता रहता है। ये साला नूर मोहल्ले का लड़का लोग उछल नहीं रहा आजकल ज्यादा। तो आज तुम्हारा आगामी ससुराल भी तो नूर मोहल्ले में ही है। तो
हाँ तो हमको एक चिलगम खिलाओ तुम, और क्या, आपको अंकल भी नहीं है। अबे चिलगम नहीं होता है, चुइंगम होता है। ये तुम लोग के चक्कर में ना हमारा जबान खराब हो रहा है। मैडम बोली है? मैडम बोली तुम खाओ अपना, चलो। सही है बेटा। आज देखे नहीं ना, एक तो मरीज टाइप फील हो रहा है। हमको बोली थी नया सूट पहन के आएंगी, जैसे प्रचार में नहीं पहनी है सुनो, वैसे ही सिलवाई है। अरे तो इनमें कौन सी बड़ी बात है, अरे कल तुम उनको कह देना कल फिर पहन के आ जाएंगे मेरे सावरिया के रणबीर कपूर। तुम ना नहीं समझो, हम नहीं समझो, ये बहुत नाजुक मामला होता है प्यार का। क्या तुम्हारे औकात के बाहर का सब सब समझ रहे हैं साला, गुरु बूढ़ी रह गया, चेला चीनी बन गया। जियो। अरे उनको यही दिखाओ। अब उसको उसको अबे दोय रुको मेरे भाई, हाथ सब हम निकलो, बाबूजी आते होंगे, मिलते हैं शाम। हाँ बेटा हमको तो भगाओगे, शाम को मिलोगे? हाँ गुमटी मिल रहा है 7 बजे। ठीक है। हाँ जी भैया। पापा बाहर गए थे हमको दुकान पे बैठा के, इसीलिए नहीं आ पाए, सॉरी। हमको पता है आज तुम सोनू कपूर से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होगी। आज पूरा दिन दुकान पे बैठ के कुछ लिखे हैं तुम्हारे लिए, साफ जबान में भेज रहे हैं, पसंद आए तो एक मिस्ड कॉल मार देना। गुड नाइट। आज शब हमने जब रुख किया आसमान में, रंगीन गुलाबी चादर में लिपटा था ये समा। आपके पास होने की दिल में उठी एक ख्वाहिश, दर्द तन्हाई में दिल को मिली जैसे दवा। ऐसे हसीन पल में रहते हम इतने करीब, दोनों की उंगलियां रहती एक दूसरे के दरमियान। थाम कर रखते रेत से फिसलते वक्त को, नज़रों से करते अपने जज्बातों को पैर। हर पहर इस दिल ने आपका इंतज़ार किया है, सब भूलकर बस एक आप पे एतबार किया है। कांटों से लगते हैं ये दिन आपकी गैर मौजूदगी में, बेफितरतन आजकल उन्हीं कांटों ने हमें गुलजार किया है। कल दोपहर को मिलना है तो नूर मस्जिद वाली गली में आ जाइएगा। अभी सुबह उठेगा जी? परसों एक टुकड़ा लवेरिया जा रहे हैं चौक पे, गुलफाम जा नहीं है, उन्हीं की बेटियों को मारा था। कल रात भर सोए भी नहीं ट्रैक्टर की आवाज से। कौन ट्रैक्टर? शफिया घर पे कल गिट्टी बालू अनलोड हो रहा था, अब लगता है कि अब 2 मंजिला बनवाएंगे चाचा, टाइम आ गया। अरे हाँ। तो कब ऐसा है रे भाई,
बात सुनते हैं कि पंगा भी गाड़ी दूसरे घूमता है ना, सबके पास कार होता है। हट बे, सब बकैती है साला, जब कार है यही तो बेकमंगा किस बात का? अरे हमको क्या पता, सतिया के अब्बू बोल रहे थे, सतिया बताया होगा। भाई जान नाश्ता लगा दूं? नहीं आती जरा बाहर से, तुम खा लेना, दरवाजा लगा लेना। चाय में वो बात नहीं रहा, ऊंट के दूध में बनाते हैं क्या जी? अब अहमदाबाद से पहुंच सकेंगे मुंबई 2 घंटे में बुलेट ट्रेन में। देख साला, इको कहते हैं डेवलपमेंट। जानते हैं बढ़िया है कि साला अहमदाबाद और मुंबई वाला रूट में, यहाँ वाला रूटों में रहता ना, हम देखे हुए दिमाग से कि साला वही बुलेट ट्रेन की खिड़की में सब दूध का बाल्टी या साइकिल अटका के ले आता, पक्का बता रहा हूं। बहुत बढ़िया जगह डेवलपमेंट हो रहा है। तो जैसे साला फर्स्ट एसी के नीचे हकते नहीं होगे, बोले कभी बैठे हो टिकट कटवा के ट्रेन में? बच जाते हैं। अच्छा छोड़िए सब, एक बात बताइएगा, आपको कब तक ये चिंदी वाला काम करेंगे हम लोग? टैलेंट पूरा है, कुछ जुगाड़ लगाइए दुबई उबई का। आप अपने से ना सतिया से बात कीजिए इसके लिए। हमने प्रॉब्लम तो जानते ही हो ना, उजमा है, उजमा के रहते अपना कुछ नहीं कर सकते। एक बार उजमा का निकाह हो जाए फिर सोचेंगे अपने बारे में कुछ। शफी, शफी लायक हो गया। मम्मी भी यही चाहती थी, उजमा को मंजूर नहीं है साला सब रिश्तेदारी में निकाह करना। दो चाय एक छोटा गोल्ड फ्लेक। एक कुछ चीज बताना था आपको, एक दो दिन से सोच रहे। क्या बोलो? देखिए पिनकी वाली उजमा बहन तो मेरी है। क्या हुआ बोलो बे? उसको कॉलेज कोचिंग छोड़ने आप टाइम जाते हैं। क्या क्या हुआ? देखिए जूम करके देखिए ना, जूम करके देखिए। कहाँ का ये? देखिए नाम नहीं पता है, लेकिन इतना पक्का बता रहे हैं आपको, जो चौकवा पे सरस्वती पूजा का पंडाल नहीं लगाता है उधर का। आपका ये तो अरे हम भेजते हैं ना आपको ब्लूटूथ से। ये पका, इसको डिलीट कर अपने फोन से और आगे से ऐसा नहीं करना। अरे साला ये कहाँ लेके आए हो तुम हमको? चल ना, हम भी पहला बार हैं। तुम्हारे प्यार के चक्कर में कहीं बकरा जैसे ना लटकाते सब हमको। और ये धागा कहाँ है बांध के आए हो? सत्संग में बैठोगे क्या? भैया एक शाही टुकड़ा देंगे। यहाँ काहे बुलाई? आपको शाही टुकड़ा खिलाने। श-
साड़ी टुकड़ा के चक्कर में हमारा टुकड़ा करा देना किसी को। क्या हो दोनों? अभी लड़की खड़ी थी ना बुरका में, उजला बुसट लड़का था उसके साथ। अरे साला तुम गलती में भगा दिया। अरे भैया जी मेरा सोचिए आपसे डबल भाग गया, बता रहे वही दोनों था। उधर देखो जरा। सुंदर लग रही है ये लाल रंग, बड़ा फपता है तुम। अच्छा अच्छा एक चीज से दिखाई नहीं था। ठीक है तो जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किए थे एडहॉक लैब असिस्टेंट का, उससे हमारा हो गया है। अगला सोमवार बुलाया है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए, अगला महीने से ज्वाइन भी कराई देगा। सही रहा तो आगे चलकर पक्का भी हो ही जाएगा। वाह बहुत बढ़िया। ये आपके लिए बनाया मैंने बेसन का हलवा अपने हाथों से। मुँह मीठा करा रही है तो फिर? अच्छा क्या हुआ? नहीं बोलो। काजू भी डाली? कुछ हुआ? सोच रहे थे कि क्या ऐसा कब तक चलेगा, कभी ना कभी तो भाईजान को बताना पड़ेगा ना। अरे तुम डरती काहे हो? तुम्हारे भाईजान के सामने दो ठो गालिब और तीन ठो मीर पड़ देंगे, वैसे ही तुम्हारा हाथ हमको दे देंगे और तब भी नहीं माने तो कर लेना शादी किसी सोहेल नदीम या वसीम से। और आप कुछ नहीं करेंगे? करेंगे ना, आएंगे निकाम में बिरयानी खाने। आप हमें ऐसे मत डराइए, 25 के हो गए हैं हम। इस उम्र में ना हमारी रिश्तेदारी में सबके दो दो बच्चे हो जाते हैं, वो तो पढ़ लिए इसलिए अभी तक रोक के रखा हुआ है। तो क्या करें बोलो, नहीं मिले? हमने ऐसे तो नहीं कहा, हम बस इतना कह रहे हैं कि कभी तो बताना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो आपकी जॉब भी लग गई है,
क्या बताओगी कि भाईजान हम एक लड़के से प्यार करते हैं, दीपक नाम है उसका, बाप का परचून का दुकान है, दिन भर बाप आटा दाल तोलता है और लड़का 2 साल से कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, टाइपराइटर शॉर्ट हैंड बस कहीं भी घुसने में लगा हुआ है, अब जाके एडहॉक का एक नौकरी लगा है, आप प्लीज़ हमारा निकाह उससे करा दीजिए, थैंक यू। हाँ तो इसमें गलत क्या है? गलत यह कि हमारा नाम दीपक और तुम्हारा नाम उज्मा है, समझी, ये है गलत। नहीं तो क्या कर लेते आप? नहीं तो क्या कर लेते? नहीं तो कुछ नहीं बनता ना, तो तुमको भगा के ले जाते तुम्हारे घर से। बाबूजी कुछ नहीं, अरे दुनिया कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम हो तो ऐसा करने पर दुनिया पिछवाड़े में प्यास गाड़ देगी और फिर उसी को सलाद ला के ठूसेगी। इसीलिए हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं शायद। आप ही कहते थे ना कि उज्मा हमारा प्यार कोई चिलगम के जैसे नहीं है, केक खाया बलून फुलाया और फेंक दिया, अब मौका है बताइए हमें, जताइए कि आपका प्यार मेलोडी के जैसे है, और अगर आपसे नहीं हो पाता ना तो हमें बता दीजिए, एक चांस तो हम भी ले लेंगे, या तो इस बार या उस बार। नाम क्या है तुम्हारा? नाम ऐसा है, आज कल उज्मा से नहीं मिलना कभी। हाँ तुम कौन? भाई हैं उसके, ये सब चोटागिरी से प्यार करना भूल जाओगे। ये सब इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि हम दूसरी बरादरी के। सराफत का भाषा नहीं बूझता है तुमको? हाथ गोड़ टूटेगा तभी समझोगे क्या? चिलगम जैसे प्यार नहीं किया कभी उससे, पूछिएगा ये कहाँ करना चाहते हैं, इतना मुश्किल है। तीन दिन से कोचिंग कॉलेज नहीं आई है, हम पता किए थे उसका फोन भी ऑफ आ रहा है, कब ही बार रखा हुआ होगा सब, शक्ल से हरामी दिख रहा है, उज्मा को कुछ कर लो। उस दिन आपसे मिलने के बाद भाईजान मेरे पास आए थे, हमने भी उन्हें सारी बातें बता दी, हमने बताया कि हम किसी सोहेल वसीम या नदीम से नहीं आपसे शादी करना चाहते हैं। दुनिया इसे लव जिहाद और न जाने क्या क्या बोलती है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लव तो खुद ही जिहाद है। यहाँ आखिर कभी तो नाम से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा, आप में कोई कमी निकाल सके तो निकालें, हमें पता है नहीं निकाल पाएंगे। 3 दिन से हमने जानबूझ के आपका फ़ोन ऑफ रखा हुआ है, ना कॉलेज गए ना ही कोचिंग, ताकि आपको एहसास हो पाए कि मेरे लिए कितना मुश्किल होता है और खो जाने का दर्द क्या होता है।
हमने तो अपनी कश्ती किनारे लगा के बांध दिए। अब बस साहिल पर आपकी नौका आने की बारी है। और हाँ, अब गालिब और मीर के शेर याद करना शुरू कर दें आप। दिल्ली से आई दिल दहलाने वाली खबर, हॉरर किरण की ये खबर है। लड़के की हत्या प्यार मोहब्बत के चक्कर में हुई है। लड़का लड़की दोनों अलग अलग धर्म के थे। लड़के की हत्या सरेआम सड़क पर की गई, गला काटकर हुई। इस वक्त हम ख्याला इलाके के ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां पर 23 साल के अंकित की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। आपको पहले मैं इस जगह के बारे में बता दूं, बेहद चलता फिरता रोड है। रात को करीब 8 बज रहे थे। ये जो रोड सामने से आप देख रहे हैं ये रघुवीर नगर से रोड आ रही है। और अगर कैमरामैन दूसरी तरफ दिखाए तो ये रोड आगे अब आगे गालिब का कोई किताब जानते हो? कहे रहमाना।